हेलो फ्रेंड्स, हंस वाले टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा इंस्टाग्राम अकाउंट के प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे हटाएं। दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम अकाउंट के प्रोफेशनल डैशबोर्ड को हटाना चाहते हो तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम अकाउंट के प्रोफेशनल डैशबोर्ड को हटाने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है। इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखने को मेरे देख सकते हैं क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे नीचे पे देखने को मेरे स्विच अकाउंट टाइप, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, स्विच टू पर्सनल अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे, तो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, देखिए, और देख सकते हैं आपका स्विच हो चुका है। इसके बाद यहाँ से बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड, देखिए। तो दोस्तों, इस तरह से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के प्रोफेशनल डैशबोर्ड को हटा सकते हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के प्रोफेशनल डैशबोर्ड को हटाना क्यों चाहते हो, तो कमेंट करके बताना। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ घंटी के बटन है, उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।